हेलो एवरीवन, आपको कई बार ऐसा मौका मिला होगा कि आप किसी शादी में गए हैं, किसी ओकेजन में हैं, यानी कि आप किसी मीटिंग में हैं और सडनली आपको बोला जाता है कि आपको थोड़ा कुछ बोलना है इन मौके पे, इस ओकेजन पे आप क्या बोलना चाहेंगे। तो आप डेफिनेटली आप जाएंगे और अपना बोलने की जब शुरुआत करेंगे तो आप थैंक्स बोलेंगे, मतलब थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया बोलने को। तो अक्सर लोग जो होते हैं हर अलग अलग सेरेमनी या फिर हर अलग अलग ओकेजन पे थैंक यू कहने का तरीका अलग अलग यूज़ करते हैं ना, तो उन सब जगहों पे थैंक यू किस तरीके से बोलते हैं, कैसे शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बोलने का। तो ये सब चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग थैंक यू यूज़ करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 लेके आए थे, थैंक यू बोलने के कुछ इनफॉर्मल तरीके देखे थे, तो आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। एकेडमी विला आपके लाया है डिफरेंट वे टू से थैंक यू पार्ट 2। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमारा आज का पहला वर्ड है और जो पहला फ्रेज कह लीजिए, तो हम क्या बोलते हैं कि ओकेजन पहले आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि आप शादी में हैं, आप आपको कुछ बोलना है तो आप कैसे धन्यवाद अदा करेंगे या फिर आगे बोलने का जो स्टार्टिंग है आप कैसे करेंगे। तो समटाइम्स ये आप ये कह सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर इन्विटेशन, इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। मैंने इस चीज़ के लिए बोला कि जाहिर सी बात है आपको इन्विटेशन मिली है तो इन्विटेशन में आप ये बोल रहे हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे इस इन्विटेशन का मुझे पात्र समझा गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब एक और सेंटेंस है जिसके थ्रू आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, इट वॉज अ चैलेंजिंग टाइम बट यू मेड इट ईजियर, थैंक यू। यानी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपका कि वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था और आपने उसको बहुत आसान बनाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू कहने का तरीका यहाँ पे जो था, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, तो ये जो चीज़ है ये थैंक यू कहने का एक वे है जब आप बहुत बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, तब तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अगले सेंटेंस पे चलते हैं या फिर अगले वर्ड पे चलते हैं जो कि कहते हैं आई ट्रूली अप्रिशिएट। देखिए ये किस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपने आपकी कंपनी में मान लीजिए कि या फिर आपकी जो टीम है वो टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है और आप बॉस हो, आप उसके सर्वेयर हो, सुपरवाइजर हो, तो आप क्या कह सकते हो कि आप उनका हौसला अफजाई कर सकते हो और साथ ही साथ आपका काम अच्छा हुआ है तो आप उसको थैंक यू भी बोल रहे हैं एक तरीके से। तो आप इस सेंटेंस के जरिए उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई ट्रूली अप्रिशिएट एवरी वंस एफर्ट एंड कमिटमेंट्स टू आवर सक्सेस, यानी कि मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी प्रशंसा करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इस वजह से हमारी सक्सेस यानी कि हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी वाले जो बोल रहे हैं अपने वर्कर्स को, इम्प्लॉयज़ को, कि आपने बहुत अच्छा किया, जैसे कि अच्छा काम हुआ तो कंपनी वाले जो हैं वो तो बोलेंगे ही ना कि थैंक यू, तो थैंक यू की जगह हम आई ट्रूली अप्रिशिएट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी में एक अलग दूसरा वर्ड देखते हैं, हाउ थॉटफुल। देखिए ये कब यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूज़ दिस वन व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग मोर देन दे नीडेड टू समथिंग दैट शो दैट दे केयर। देखिए जब ऐसा लगता है कि आपकी कोई केयर कर रहा है, देखभाल कर रहा है, आपकी बहुत मतलब परवाह करता है और उसने आपके लिए ऐसा कुछ कर दिया जिसकी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना, और आपकी ज़रूरत तो जरूरत थी, मतलब ज़रूरत थी उस चीज़ की और उसने आपके लिए वो कर दिया, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं थैंक यू के बजाय। तो और हाँ एक चीज़ और कि डोंट यूज़ दिस फॉर रूटीन टास्क, डेली यूज़ में इसको यूज़ मत कर सकते हैं, यूज़ मत करिएगा, ये स्पेशली ओकेजन पे ही कुछ किया जाता है, जैसे मैंने बता दिया कि आप जब आपको केयर जैसा फील हो। तो ये सेंटेंस के थ्रू मैं बताता हूँ, ये लड़की है जो वो कहती है फ्लावर्स फॉर मी हाउ थॉटफुल, यानी कि वो कहती है कि फूल ये मेरे लिए हैं और कितना अच्छे, मतलब कितने आप आपके विचार कितने अच्छे हैं एक तरीके से, ये इस पे जोर दिया जा रहा है कि आप मेरी केयर कर रहे हैं ना। तो थैंक यू कहने के बजाय आप हाउ थॉटफुल भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और एक और वर्ड जो है उसके बारे में जानते हैं, वो है आई एम वेरी टच्ड। देखिए टच का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता कि छूना, है ना, उसका मतलब एक एग्जेक्टिव है तो इसका मतलब इमोशनली अफेक्टेड वर्ड के लिए भी यूज हो सकता है कि आपने इमोशनली टच ही कर दिया उसको,
तो आप कब यूज कर सकते हैं कि समवन हैज डन समथिंग फॉर यू दैट यू रियली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब किसी ने आपके लिए ऐसा कुछ कार्य कर दिया कि जिसकी आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है उसकी धन्यवाद अदा करेंगी। तो कैसे एग्जाम्पल मैंने दिखाया है कि आई एम वेरी टच्ड दैट ही केम टू सी मी, कि मैं बहुत खुश हुआ कि वो मुझे देखने के लिए आया। मतलब कह सकते हैं ये कंडीशन ये हो सकती है कि आप बीमार थे या फिर आप उदास थे, उस कंडीशन में आप अकेले थे, है ना, उस समय किसी ने आके वो मुझे देखने आया, मेरी हालचाल जानने को आया, तो वो आप बहुत टच हुए, तो थैंक यू ना बोल के आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो थी वो इसकी ख़त्म होती है। मैं अगली वीडियो में फिर कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और जल्द ही मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।